नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संडे विद सैंडी चैनल में। मेरा नाम संदीप है, आप मुझे सैंडी भी कह सकते हैं। तो हर बार की तरह संडे को मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार के होते हैं और आई एम वेरी थैंकफुल कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे कोई सुझाव आए कि मेरे को थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिटेल में बात करेंगे पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, प्राइवेट के बारे में और हाइब्रिड के बारे में। तो आज हम खाली बात करेंगे पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। हाय दोस्तों, बात करते हैं पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग की। पब्लिक के नाम से आप जान सकते हैं वो सर्विस जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। ये सर्विस नॉर्मली फ्री होती हैं या कभी कभी इसकी छोटी सी फीस भी हो सकती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के। इसकी अलग अलग सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे मेल सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज। मेल सर्विसेज में जीमेल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो गूगल के थ्रू प्रोवाइड होता है। और एप्लीकेशन सर्विसेज में फॉर एग्जांपल ऑफिस 365 जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अवेलेबल होता है। और स्टोरेज सर्विसेज में जैसे ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के। आइए दोस्तों, समझते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के। पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये सर्विसेज बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, लोकेशन की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। अगर हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है तो हम कहीं भी बैठे किसी भी लोकेशन से इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट होता है कॉस्ट इफेक्टिव। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, ये बहुत ही एफिशिएंट होती हैं, क्योंकि जितनी आपको सर्विस चाहिए आपको उतने ही पैसे देने होते हैं पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो हम ये कह सकते हैं ये सर्विसेज सस्ती होती हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। दोस्तों, तीसरा बेनिफिट होता है हाई स्केलेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी सर्विसेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव में काफ़ी स्पेस फ्री होती है, लेकिन अगर आप स्टोरेज के लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको कुछ नॉमिनल फ़ी देनी होती है। तो ये एग्जांपल है हाई स्केलेबिलिटी की। ये सर्विसेज बहुत ही हाई स्केलेबल होती हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी सर्विसेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। और दोस्तों, हम कह सकते हैं सर्विसेज बहुत रिलायबल होती हैं, एफिशिएंट होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको काफ़ी भरोसा होता है इन सर्विसेज पे, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी सर्विस मिलती है और आपके मुताबिक जैसी आप सर्विस चाहते हैं उसी के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये सर्विस बहुत रिलायबल होती है और एफिशिएंट होती है। दोस्तों, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के। पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग में लो सिक्योरिटी होती है, क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कोई भी यूज़र से यूज़ कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग में लो सिक्योरिटी होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग में, ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकते हैं पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो दोस्तों, ये था पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। मैंने लेमैन टर्म्स में आपको समझाना चाहा कि पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेक श्योर बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। और दोस्तों, जो COVID-19 सिचुएशन है अभी, दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सारी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे। आई एम श्योर सब कुछ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी के लिए इतना है दोस्तों। अगले संडे फिर से मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और मेरा अगला टॉपिक होगा प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।